वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने इसलिए रखा कि एक ज़माने में यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत हुआ करती थी, तो और यूपी एक ज़माने में इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी प्रचलित होता था। तो ये जो स्टोरी का जो जो सुझाव आया, जो हमारे डायरेक्टर हैं मुबीन वारसी जी, उनके द्वारा आया, और इस विषय पे हम लोगों ने फिर काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रिसर्च किया और जाके इसकी पटकथा का निर्माण हुआ। रवि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे इस मूवी में आपका किरदार क्या है? मैंने इस फिल्म में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया है जी, और मैं इस फिल्म का मुख्य निर्माता भी। जी गौरव जी, आपका क्या किरदार? जी मेरा इस फिल्म में करण कैरेक्टर का नाम, जो एज अ लीड विलन है, और रवि भाई हमारे साथ हैं जो देव सिंह राणा का इनका कैरेक्टर है। तो दोनों में आपस में बहुत भयंकर टकराव, और रियल लाइफ में हम लोग से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। मतलब आप पर्दे में देखेंगे तो आप कहेंगे कि तो आपस में काट डालेंगे, और रियल में तो हमसे अच्छा दोस्ती कोई है ही नहीं। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो हमारी है वो लग रहा है कि खून के प्यासे हैं एक दूसरे का। और देव सिंह राणा और करण की दुश्मनी की कहानी है सीतापुर, द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स। गौरव जी, आप तो विलन की भूमिका के लिए एकदम ऐसा सूट एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। ये इस तरह का जो पिक्चर और भी आई है, गैंग ऑफ वासेपुर भी है और बहुत सारे आए, मिर्जापुर वाले भी हैं, कुछ सिमिलर है कि इससे कुछ अलग हटके इसके अंदर? जी इस पे बिल्कुल अलग है, जैसे कि मिर्ज़ापुर आई थी और आप लोग ने देखी भी होगी शायद, तो उससे अलग है ये। सीतापुर का क्राइम अलग दिखाया गया, मतलब यूपी का एक अलग टाइप से क्राइम, एक सीधा साधा लड़का कैसे वो क्राइम पे चला जाता है इस पे दिखाया गया, क्योंकि एक साधारण सा छात्र नेता रहता है। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो मेन लीड कर रहे हैं और जो भी इस तरह की पिक्चर आ रही है उसमें गालियाँ भरपूर होती है, क्या इस पिक्चर में आपने गालियों का प्रयोग किया है, क्या उसे अवॉइड करने की कोशिश करके कि भाई पब्लिक देखे, मतलब आम जो पारिवारिक है उस तरह भी देख सकते हैं लोग? देखिए, सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स एक फीचर फिल्म है, एक मूवी है। अमूमन आपको गालियाँ वेब सीरीज में देखने को मिलती है जिसमें कि इन अपशब्दों का प्रयोग होता है, और जो कुछ लिमिटेड ऑडियंस के लिए ट्रेंड पे है, बट हमने इस मूवी में डेफिनेटली इन चीज़ों को अवॉइड किया है। दो आपने बताया इसमें दुश्मनी है, गैंगस्टर है, तो दुश्मनी किस बात को लेके हुई होगी इसमें, कुछ इस बारे में खुलासा करना चाहेंगे? ये तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि दुश्मनी है, एक सीधा साधा लड़का है जो इन्होंने बोला, और वो किस किन समस्याओं में घिर जाता है और क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो क्यों एक अपराधी बनने पर विवश हो जाता है। मतलब एक आम आदमी जब बड़े किसी से पंगा हो जाता उसका उसमें दिखाया गया है तो वो उसके लिए क्या क्या संकट आता वो सब दिखाया गया, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। गौरव जी, इसमें तो एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब एक विलन होता है कहीं ना कहीं एक अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है, प्यार होता है, क्या आप उसमें रोमांस करते हुए भी दिखेंगे? जी मेरी एक सीन है उसमें, रोमांटिक सीन है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो वो पर उस पर भी वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, मतलब सीन में भी फायदा दिखा रहा है उससे। रवि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक अच्छा कैरेक्टर, एक साधारण व्यक्ति जब वो विलन बनता है या उसके अंदर एक विकृति आ जाती है, फाइट करना चाहता है, नफरत की भावना आ जाती है, ऐसे किरदार जब पलटी खाता है अगर उसमें है तो कितना मुश्किल हो जाता है एक सिंपल से एक विलन की तरफ जाने में? देखिए, एक अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, जो आत्मशक्ति होती है, उसमें बहुत बल होता है। अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान ये समझता है कि कोई अगर व्हाइट कॉलर पर्सन है या कोई सामान्य व्यक्ति है वो कमज़ोर है, तो ये उसकी भूल है। अगर वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आ जाए ना, तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सच्चाई की ताकत होती है, और सच्चाई की ताकत जिसके पास है विजय उसी की होती है। ये आम जिंदगी हो, ये ऑन ऑन स्क्रीन हो, या फिर ये रियल लाइफ में हो। आप इसमें लीड रोल कर रहे हैं तो रोमांस है, कुछ गाने हैं इसमें? हाँ, निश्चित रूप से मैंने देव सिंह राणा का किरदार निभाया है, और उसमें उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है जिसमें उसे प्यार भी होता है, रोमांस होता है,
और कहीं ना कहीं उसमें काफी चीजें ऊपर नीचे होती है, फिर उनका फिल्मांकन है इसमें। गाने की बात चल रही है तो ये जानना चाहेंगे कि इसमें गाने कितने होंगे, क्या इसमें आइटम सॉन्ग्स भी हैं? इसमें चार गाने हैं, इसमें आइटम सॉन्ग तो नहीं बट मैंने शिव तांडव सॉन्ग इसमें जोड़ा है जो मैंने खुद गाया है। गौरव जी, कितना चैलेंज था ये रोल निभाने के लिए आपके लिए? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। चैलेंज ये था कि मैं रियल लाइफ में एक सीधा साधा आदमी हूँ और गैंगस्टर का रोल करने के लिए मैं कैसे करूँ, तो मैंने इस रोल की तैयारी के लिए पूरी गैंगस्टर जितने भी वारदात हो रही हैं उनको देखा, उनके बारे में जाना कि लोग गैंगस्टर में क्या क्या लोग करते, उनके माइंड में क्या चलता होगा। तो मैंने जब मैं रोल कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे दिमाग में यही था कि मैं रोज़ एक किसी का मर्डर करूँगा कैरेक्टर में, ना कि रियल में। तो दर्शकों से गुजारिश है कि आप रियल में ना लें, कैरेक्टर को कैरेक्टर में ही लें। तो रोज़ मज़ा आता था, फिर मुझे उस दिन जिस दिन मैं सेट पर रहता था उस दिन मज़ा आता था, मैं आज एक किसी का एक का मर्डर करूँगा। तो बहुत दिमाग में यही था कि मर्डर करना है, मर्डर करने में मज़ा आता है मुझे। रवि जी, आपने किस तरह की तैयारियाँ की? देखिए, इसमें मेरे कई शेड्स हैं। सबसे पहले मैं एक सीधा साधा कॉलेज का छात्र नेता होता हूँ, वहाँ से मेरी ज़िंदगी पलटती है, फिर मैं आपराधिक प्रवृत्ति में लीन हो जाता हूँ, मुझे कई राजनेताओं का सपोर्ट मिलता है। दूसरा, मेरी अपनी रोमांटिक लाइफ भी होती है, तो मुझे एक रोमांटिक पर्सनैलिटी, एक सिंपल पर्सनैलिटी और एक क्रिमिनल बैकग्राउंड पर्सनैलिटी, ये तीनों शेड्स निभाने का ऐसे मौका मिला जो काफ़ी चैलेंजिंग था अलग अलग शेड्स को निभाना, बट आई लव वर्सटैलिटी और मैंने निभाया भी है बखूबी से और दर्शकों को पसंद आएगा ये मेरा किरदार देव सिंह राणा का। गौरव जी, आप जो कि विलन की रोल निभा रहे हैं और पिक्चर पूरा गैंगस्टर पे है, कोई डायलॉग मजबूत तो होगा उसके अंदर आपके लिए? जी जी बिल्कुल, कोई एक ऐसा डायलॉग है तो बताइए जरूर। तो अब हमारे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं तो इनसे मुझे आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। नहीं, तो यू कैन, यू कैन। मेरे भाई के कत्ल में शामिल एक भी आदमी को मैं चिता की लकड़ी तक नसीब नहीं होने दूंगा, ये आपको ट्रेलर में भी डायलॉग मिल जाएगी। तो ऐसा है और बहुत अलग अलग से मैंने डायलॉग बोला था, चौदू विधायक, तो ये यूपी में बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से फेमस होगा है, तो ऐसा है। तो रवि जी, ये सीता जो सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर है, तो इस कहानी पे कितना वर्क किया, वहाँ जाके आपने किस तरह के वर्क किए हैं? काफ़ी रिसर्च किया, क्योंकि देखिए जब आप एक स्पेसिफिक शहर को मेंशन करते हैं ना तो उसकी आपको छवि भी देखनी पड़ेगी, कुछ ऐसा ना कर जाऊं कि वहाँ की छवि धूमिल हो या वहाँ पे उसको कोई इम्पैक्ट पहुँचे, तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जब किसी आप किसी व्यक्ति विशेष की आप बायोपिक बनाओ या किसी व्यक्तिगत मतलब शहर को आप टारगेट करो तो बहुत चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ती है, तो डेफिनेटली रिसर्च तो हमने किया ही है। शूटिंग कहाँ की है इसकी, कहाँ कहाँ ली? शूटिंग डेफिनेटली हमने सीतापुर में किया है, कानपुर किया है, लखनऊ और मिर्ज़ापुर, इन शहरों में इनकी इस फिल्म की शूटिंग हुई है। किरदारों का चयन किस प्रकार किया आपने, क्योंकि ये गैंगस्टर के ऊपर है, इसके लिए कितनी आपको तकलीफें आई? किरदार इसमें जो जितने भी किरदार हैं इसमें, पहले तो हमने हर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की। इसमें काफ़ी अनुभवी किरदार जैसे कि बहुत चर्चित अनिल रस्तोगी जी हैं इसमें, नवल शुक्ला जी हैं, मिर्जा अजहर हैं, जब्बार अकरम हैं, तो ये अनुभवी एक टीम थी किरदारों की, कलाकारों की। उसके बाद नए में अभी हम लोग जो कि देखिए जो भी नए कलाकार होते हैं, काफ़ी नए कलाकारों को मौका मिला है, क्योंकि उसमें जो जुनून होता है बहुत सारे कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा निभाया है, जो कि इस फिल्म के बाद उसके आगे के करियर के लिए बहुत लाभप्रद होगा। जैसे इसमें मैंने देव सिंह राणा का किया है, गौरव ने करण लीड विलन का किया है, अपर्णा मलिक हैं जो कि काफ़ी डिजर्विंग है, उन्होंने मेन एक्ट्रेस किया है, आंचल पांडे हैं, शालू सिंह हैं, इन सारे कलाकारों ने, उत्कर्ष वाजपेयी, सलाउद्दीन, तो इन सारे कलाकारों ने अच्छा निभाया है, बहुत अच्छा किया है। कुछ यादगार पल शेयर करना चाहें तो जो आपके शूटिंग के दौरान हो? बहुत सारे यादगार पल हैं, बहुत हमें अभी भी याद है कि इतनी गर्मी थी जब हम लोग शूट कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट था, बट किसी तरीके से हम लोगों ने बहुत कष्ट सहते हुए इन चीज़ों को पूरा किया। और मैं एक लम्हा शेयर करना चाहता हूँ, हम लोग गए थे मिर्ज़ापुर के लोकेशन पे गाने की शूटिंग थी, एक लोकेशन था जो किसी कारण के से जो है ना वो कैंसिल हो गया। अब हम लोग इतनी गर्मी में, मुझे लगता है 40-42 टेम्परेचर रहा होगा, वो पहाड़ों में चले जा रहे हैं, मतलब ऑन स्पॉट लोकेशन हंटिंग हो रही थी और लगभग पहाड़ों के और अंदर जाते हुए वहाँ गाड़ी नहीं जा पा रही थी, 1 किलोमीटर पैदल गए तब जाके एक फॉल मिला, वाटरफॉल, वहाँ जाके हम लोगों ने शूट किया, बट जो वो जगह मिली वो इतनी अच्छी है, वो शायद
अब तक किसी फिल्म में यूज नहीं हुई होगी और इतने सुंदर व्यूज आए हैं कि दर्शक देखेंगे उनको काफी पसंद आएगा। यूपी के बारे में एक चर्चा है कि योगी जी जो है वहाँ सब्सिडी भी दे रहे हैं और बहुत सुविधा मुहैया करा रहे हैं, कितना सहयोग मिला वहाँ की गवर्नमेंट का आपको? जी, इसके लिए तो मैं जरूर बोलूंगा योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे लखनऊ में या कहीं भी यूपी में आप शूट करते हैं तो सब्सिडी जरूर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट है ये, बहुत प्रशंसनीय कार्य है ये। क्योंकि देखिए आप कितने ही कलाकार, कितने ही टेक्नीशियंस, कितने रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा फिल्म मेकिंग, वेब सीरीज और सीरियल्स की भी अब मेकिंग हो रही है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम है योगी सरकार का। एक सवाल ये है क्योंकि इस वक्त जो जिस टाइप की आपकी फिल्म बन रही है, मूवी है, OTP पे ज़्यादा ये अच्छी चलती है, आपने ये रिस्क लिया है कि इसे मूवी के हिसाब से लेके थिएटर तक ले जाने का? एज ए फिल्म मेकर मैं ये मेरा ये मानना है कि आज के दिन में अब सिनेमा जिस तरह से चेंज हो रहा है, पहली बात तो कोरोना को लेकर थिएटर्स ऑलमोस्ट जो है कि बंद ही हो गए हैं और बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, बट आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में OTT प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ व्यूअर्स को वो कनेक्ट कर पाती है, तो मेरे ख्याल से कि कनेक्टिविटी के लिए OTT इज़ द बेस्ट वे। दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे गुरु जी आप? जी, दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी फिल्म सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें इसमें, क्योंकि सब कुछ मिलेगा फुल तड़का, इसमें रोमांस है, फाइट सीक्वेंस है, एक्शन है, सब कुछ, मतलब एक फिल्म होती है पूरे पैकेज, छोटा पैकेज बड़ा धमाल, ऐसा है ये फिल्म।